नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 100% होममेड स्वदेशी नुस्खे चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक प्रकार के दिव्य और चमत्कारिक जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे आसपास में ही होते हैं, लेकिन इसकी सही पहचान और जानकारी हमारे पास न होने के कारण हम इस अनमोल खजाने को बेकार ही समझ लेते हैं। आज की वीडियो में हम अश्वगंधा की आपको पहचान कराएंगे। आयुर्वेद में अश्वगंधा की बहुत सराहना की गई है। अश्वगंधा का पौधा जंगली पौधा भी होता है और इसकी खेती भी की जाती है। जंगली पौधा आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं और ये कम से कम 1 से 3 फुट तक ऊँचा होता है, कभी कभी 4 फीट तक भी ऊँचा हो सकता है। इसके फल शुरुआती अवस्था में मटर के दाने जैसे हरे रंग के होते हैं, लेकिन ये जब पूरी तरह पक जाता है तब ये लाल रंग का हो जाता है। अश्वगंधा पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। ये जंगली भी होती है और इसकी खेती भी की जाती है। आयुर्वेद में दवाई के रूप में अश्वगंधा की जड़ों का ही प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करने के कोई हमें पैसे नहीं मिलते। आपके लाइक करने से हमारे वीडियो का मोटिवेशन आपको जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको 1 सेकंड के अंदर मिल सके। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए उपयोगी होती है। अश्वगंधा ये मूल संस्कृत शब्द है। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। इस पौधे की जो कच्ची जड़ें होती हैं, इसमें घोड़े के पेशाब के समान गंध होती है। इसी कारण इस पौधे का नाम अश्वगंधा रखा गया होगा। अश्वगंधा खाने से कमज़ोर आदमी भी घोड़े जैसी ताकत वाला बन जाता है। अश्वगंधा के बारे में संस्कृत में अनेकों श्लोकों में इसकी सराहना की गई है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम विंटर चेरी है और वैज्ञानिक नाम विटेनिया सोमनीफेरा है। आयुर्वेद के मत अनुसार अश्वगंधा बल बढ़ाने वाली रसायन, कड़वी, कसेली, गर्म प्रकृति की और वीर्यवर्धक होती है। ये सफ़ेद कोट, कुष्ठ, सूजन, कफ और वायु विकारों में बहुत उपयोगी होती है। तो आइए जानते हैं अश्वगंधा जड़ी बूटी के फायदे के बारे में। ये जड़ी बूटी विशेष रूप से रसायनी होती है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया, डेंगू या किसी भी प्रकार की बीमारी के कारण शरीर दुर्बल हो गया हो तो अश्वगंधा का सेवन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। अश्वगंधा किसी भी प्रकार की बीमारी के कारण उत्पन्न कमजोरी को दूर करने में बहुत फायदेमंद होता है। वात रोग और संधिवात में भी अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका सेवन करने से आंखें तेज बनती है, बाल काले बनते हैं और शरीर शक्तिशाली बनता है। अश्वगंधा का प्रयोग करने से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है और शरीर ताकत से भर जाता है। दोस्तों, जिन लोगों के बाल उम्र से पहले सफेद हो गए हो, ऐसे लोगों को अश्वगंधा का चूर्ण रोजाना 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से बालों का समय से पहले सफ़ेद होना बंद हो जाता है और बाल काले बनते हैं। अश्वगंधा का सेवन करने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। 2 ग्राम अश्वगंधा के चूर्ण के साथ 2 ग्राम आंवला का चूर्ण और 1 ग्राम मूलेठ का चूर्ण मिलाकर 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ रोजाना सेवन करें। इसे आंखों की ज्योति जल्दी से बढ़ती है। दोस्तों, ये हृदय के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। हृदय की बीमारी में 2 ग्राम अश्वगंधा के मूल के चूर्ण को पानी के साथ रोजाना सेवन करने से हृदय का दर्द दूर होता है। दोस्तों, अश्वगंधा के 2 ग्राम चूर्ण को अश्वगंधा के ही 20 मिलीलीटर क्वाथ के साथ रोजाना सेवन करने से क्षय रोग मिटता है। दोस्तों, खांसी की समस्या को मिटाने के लिए भी अश्वगंधा बहुत लाभकारी है। अश्वगंधा की 10 ग्राम जड़ों को कूटकर इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर लगभग 400 मिलीलीटर पानी में पकाना चाहिए। जब 1/8 हिस्सा शेष रह जाए तब ठंडा होने के बाद उतार कर छान लेना चाहिए। फिर इसमें से दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहने से खांसी और काली खांसी दोनों मिट जाती है। दोस्तों, पेट के रोगों में भी अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। इसके लिए गिलोय के साथ अश्वगंधा का चूर्ण मिलाकर 5-10 ग्राम की मात्रा में शहद मिलाएं, फिर इस मिश्रण को खाली पेट पी जाए। कुछ दिन लगातार इसका सेवन करने से पेट की कृमि नष्ट हो जाती है। सिर्फ अश्वगंधा के चूर्ण को गर्म पानी के साथ सेवन करने से अजीर्ण मिटता है। ये महिलाओं में होने वाले सफ़ेद पानी की समस्याओं को भी दूर करती है। इसके लिए 2 से 4 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा के चूर्ण के साथ मिश्री मिलाकर गाय के दूध के साथ सुबह शाम रोजाना सेवन करने से
सफेद पानी की समस्या यानी श्वेत प्रदर मिटता है। दोस्तों अश्वगंधा के 2 से 5 ग्राम चूर्ण को गाय के दूध या शक्कर के साथ मिलाकर चाटने से कमर का दर्द ठीक होता है। दोस्तों शरीर की दुर्बलता को नष्ट करने के लिए अश्वगंधा का सदियों से उपयोग किया जाता है। इसके लिए 2 से 4 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा के चूर्ण को घी या दूध के साथ यथाविधि 1 वर्ष तक सेवन करने से शरीर रोग रहित बन जाता है। इसके अलावा 1 ग्राम अश्वगंधा के चूर्ण के साथ 125 मिलीग्राम मिश्री मिलाकर रोजाना गुनगुने दूध के साथ पीने से वीर्य पुष्ट बनता है, बल की वृद्धि होती है और शरीर ताकत से भर जाता है। दोस्तों औषधि के रूप में ज्यादातर अश्वगंधा की जड़ों का ही प्रयोग किया जाता है। ये आपको आयुर्वेदिक स्टोर और पंसारियों के दुकान पर आसानी से मिल जाती है। अश्वगंधा के सेवन करने का तरीका भी बिल्कुल सरल और आसान है। अश्वगंधा की जड़ों का पाउडर लेना है जो पंसारी की दुकान पर से आपको आसानी से मिल जाएगा। दवाई के रूप में अश्वगंधा का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। एक दिन में इसका सेवन अधिक से अधिक 3 से 4 ग्राम की मात्रा में ही करना चाहिए। रात में सोने से पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद इसका सेवन आप दूध के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा बाजार में अश्वगंधा की कैप्सूल भी मिल जाती है। रोजाना 1 से 2 कैप्सूल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं। ध्यान रहे अश्वगंधा गर्म तासीर की होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। अश्वगंधा के पाउडर को 2 से 3 चम्मच की मात्रा में पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर चाय की तरह भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच अश्वगंधा यानी 3 से 4 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर मिलाए और धीमी आँच पर पकाए। पानी जब आधा ग्लास शेष रहे तब ठंडा होने के बाद छान कर पी जाए। इसके अलावा अश्वगंधा के पाउडर को घी में भूनकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। दर्शक मित्रों ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं ना, ये अश्वगंधा का प्लांट है, अश्वगंधा का पौधा है, जंगली पौधा जो सड़क के किनारों पर आपको आसानी से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। अश्वगंधा के इस जंगली पौधे का आज भी लोग गांवों में पारंपरिक तरीके से बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग करते हैं। वीडियो में जो आपको जानकारी दी गई है इसमें आपको अश्वगंधा की जड़ों का ही प्रयोग करना है जो आपको पंचारी के दुकान पर से मिल जाएगी। ये आपको ज़्यादातर ऑनलाइन भी आजकल मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे।